नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इंदौर में नगर निगम ने ऑपरेशन खजराना शुरू कर दिया है। शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर निगम की रिमूवल टीम ने 8 जेसीबी मशीन और 7 रिमूवल की टीम के साथ ऑपरेशन खजराना शुरू किया गया। लगभग 200 से भी ज्यादा पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम ने दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इंदौर में इससे पहले नगर निगम ने ऑपरेशन बंबई बाजार शुरू किया था, वहां से बड़ी संख्या में अतिक्रमण को हटाया गया था और एक बार फिर अब ऑपरेशन खजराना शुरू किया गया है। खजराना से आपको याद आता होगा वो गणेश जी का मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन है यहाँ पर और उसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। इसी इलाके में अवैध तरीके से कब्जा किए गए जमीनों से कब्जा हटाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अतिक्रमण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। इंदौर में इस वक्त बड़ी कार्रवाई भी चल रही है। थाना प्रभारी हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ी कार्रवाई चल रही है? हाँ, अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही नगर निगम प्रशासन द्वारा। ये स्टार चौराहे से कालका माता मंदिर तक पुलिस ने कितना फोर्स लगाया गया है? विवाद पुलिस अधिकारी हैं, कोई विवाद नहीं हुआ। सब स्वेच्छा से भी हटा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो भी अवैध अतिक्रमण कर रहे थे वो स्वेच्छा से भी हटा रहे हैं। ऑपरेशन बॉम्बे बाजार के बाद ऑपरेशन खजराना, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर निगम का बड़ा अमला मौजूद है। अतिक्रमण निरोधक दस्ते के साथ ये अमला मौजूद है और यहां पर इस वक्त बड़ी कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण को लेकर। जिन्होंने सरकारी जमीन में कब्जा कर रखा है, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उनके घरों पर या जो बाहर ओटले है या उन्होंने जो छज्जे का निर्माण कर रखा है उस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 7 से ज्यादा जेसीबी, 5 से ज्यादा डंपर, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी और नगर निगम के 100 से ज्यादा कर्मचारी। एक बड़ा अमला आज इंदौर के खजराना के इस बाजार में उतरा है और जहां पर इस वक्त बड़ी कार्रवाई चल रही है और लगातार अतिक्रमण को लेकर इंदौर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। यातायात को सुगम बनाने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। करीब स्टार चौराहे से ये अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हुई है और जो माँ कालका मंदिर यानी जमजम चौराहे तक जाएगी और ये करीब 3 किलोमीटर का हिस्सा है जहाँ पर यह अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट डगले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो वहीं विदिशा से खबर आ रही है जहां राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में लोकायुक्त ने छापेमारी की है। बीसीएम संध्या जैन को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि निकलवाने के बदले रिश्वत मांगी थी। आशा कार्यकर्ता हरिबाई ने भोपाल लोकायुक्त एसपी को इसकी शिकायत की थी। रायसेन से बड़ी खबर आ रही है जहां बेगमगंज में दुकानों और होटलों पर छापेमारी की गई और खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। होटलों में मिला बासी भोजन, किचन में गंदगी मिली, लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। होटल में घरेलू गैस सिलेंडरों का भी उपयोग हो रहा था। दुकानों और होटलों में छापेमारी की गई जिसमें कि बहुत कुछ यहां पर दिखाई दिया। होटल के किचन में गंदगी मिली है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ क्योंकि यहां पर हो रहा है और अचानक से जब चेकिंग की गई तो पता चला कि घरेलू गैस सिलेंडर का भी यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रायसेन में दुकानों और होटलों पर छापेमारी हुई। कलेक्टर द्वारा आदेशित गठित दल के साथ यहाँ आए और जांच में हमने पाया, प्रथम दृष्टया किचन में गंदगी पाई गई, कुछ एक्सपायर सामान रखे हुए थे, फ्रिज में जो सामान बताया गया कि 2-3 दिनों से पके हुए चावल दाल वगैरह स्टोर करके रखे थे उनके हमने जांच के लिए सैंपल लिए हैं। फिलहाल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो मौके पे मौजूद होना चाहिए था वो नहीं पाया। इंदौर में आर्मी जवान की